एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस कॉर्नर। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो एज यू पीपल कैन सी, यहाँ पे एक जीडीएस कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि दी सिक्कम का रिजल्ट जो है कैसे चेक कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। सो आज मैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड जीडीएस, रिलेटेड पोस्ट और एनी क्वेरी है रिलेटेड सर्विस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो आई कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि आप सिक्किम का रिजल्ट कैसे चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आप भी काफ़ी सारी जानकारी कलेक्ट कर सको। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जीडीएस की ऑनलाइन साइट है जिससे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और अप्लाई किया था। तो अभी आपको जैसे कि पता है जो शॉर्टलिस्ट है वो आ चुकी है पैन इंडिया की, मतलब सभी सर्कल्स की शॉर्टलिस्ट आ चुकी है, तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। सो सिक्किम का रिजल्ट आप कैसे चेकआउट करोगे, सिंपली आपने क्या करना है, टैप करना है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स पे, देन यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे वेस्ट बंगाल। जैसे ही वेस्ट बंगाल की जो पीडीएफ है डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में आ जाएगी, देन आप इसको ओपन कर सकते हो। और इसी बहाने मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि जो वेस्ट बंगाल का रिजल्ट है वो कितने रेंज पे, कितने परसेंटेज पे गया है। सो एज यू कैन सी पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम की सिर्फ यहाँ पे जितनी सीट्स थी ये आप देख सकते हो सिक्किम डिवीज़न। सो यहाँ पे सारी आपको सिक्किम की देखने को मिल जाएंगे डिवीज़न की रिजल्ट। सो ये स्टार्ट है फ्रॉम द 1972 सीरियल नंबर से लेके सिक्किम का जो रिज़ल्ट है वो है 1995 तक। सो इतने ही, सिर्फ इतना ही है सिक्किम का रिज़ल्ट। सो जिसको भी चेकआउट करना था जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगर हम कोलकाता की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है काफ़ी मिनिमम नंबर्स पे हुई है, जो कि देखने में बहुत अच्छा है। एज ए पीपल कैन नो कि जो कोरोना में जितने भी बच्चे पास हुए हैं सबके 100 out of 100 आए हैं। और पंजाब वगैरह हरियाणा के सर्कल की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर जितने कैंडिडेट्स हैं इस बार फिर से 100% पे ही जो है सेलेक्ट हुए हैं। बट अब कोलकाता का रिज़ल्ट देखें तो मे बी बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। सो यहाँ पे 100% तक तो मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा, 98, 97, इवन 90% वाले भी सिलेक्ट हैं। सो अच्छी बात है ये कि कम से कम वाले भी सिलेक्ट हैं, 92% वाले भी सिलेक्ट हैं यहाँ पे बच्चे, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए कि आप ऐसे किसी सर्कल में अप्लाई करें जहाँ पे बहुत कम परसेंटेज पे सिलेक्शन होता है। सो जितने भी कैंडिडेट्स अभी सेलेक्ट हो चुके हैं, हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द माई साइड। कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। सो देर इज़ अ वन मोर कैंडिडेट फ्रॉम द साउथ कोलकाता डिवीज़न हु गॉट 83% एंड सेलेक्ट इन शॉर्टलिस्ट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करो। सो कैन आई हेल्प यू पीपल एज सुन एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन देर इज़ अ वन मोर कैंडिडेट फ्रॉम सिक्किम डिवीज़न हु इज़ सेलेक्टेड विथ 77.9%। सो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वाला रिजल्ट है, तो जितने भी डीमोटिवेट हो चुके थे कैंडिडेट की हमारा कुछ नहीं होएगा, रिजल्ट हमारा कम है तो हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होएगा। सो ट्राई टू अप्लाई इन अदर स्टेट, ट्राई टू अप्लाई इन अदर सर्कल, ताकि आपका भी जो रिज़ल्ट है आपको अच्छे खासे जितने भी आपके मार्क्स हैं उन पर आपको सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको अपने सर्कल में, आपको पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है अभी इधर। सो ट्राई टू अप्लाई इन अदर सर्कल, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अदर टाइम। सो अभी और भी जो शॉर्ट लिस्ट हैं वो आएंगी, वेट करो, मे बी आप सबका सिलेक्शन हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।